हेलो नमस्कार, मैं आपका स्वागत। मैं आपको बहुत ही महत्वपूर्ण जानकारी देने वाले हैं अतिथि शिक्षकों के नियमितीकरण को लेकर। अतिथि शिक्षकों के नियमितीकरण का मुद्दा अब गर्मा रहा है। सिंधिया जी पर जमकर बरसे जीतू पटवारी, जिनने बोला है कि आपने अतिथि शिक्षकों को नियमितीकरण करने की जो वादा किया था वो अभी तक पूरा क्यों नहीं किया, और 70,000 अतिथि शिक्षकों को बेरोजगार किया जा रहा, तो सिंधिया जी कुछ क्यों नहीं बोलते और अतिथि शिक्षकों का नियमितीकरण क्यों नहीं करते। जब आपने घोषणा की थी कि अतिथि शिक्षकों का नियमितीकरण करेंगे, नहीं हुआ तो रोड पर उतरेंगे, लेकिन अभी तक अतिथि शिक्षकों के लिए आपने एक भी शब्द नहीं बोला, और अतिथि शिक्षकों का नियमितीकरण कब तक हुआ, इसके संबंध में पूरी विस्तार से मैं जानकारी देने वाला हूँ और एक वीडियो भी दिखाने वाला हूँ जीतू पटवारी जी ने क्या कहा है अतिथि शिक्षकों के नियमितीकरण को लेकर, और सिंधिया जी का पुराना वीडियो भी दिखाने वाला हूँ जिसमें सिंधिया जी ने बोला था कि अतिथि शिक्षकों के लिए हम सड़क पर उतरेंगे अगर उनका नियमितीकरण नहीं होता। तो बहुत ही महत्वपूर्ण खबर है, आप वीडियो में बने रहें, वीडियो पूरा देखें। वीडियो अच्छा लगे तो आप लाइक जरूर करें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें, ऐसे नई अपडेट पाने के लिए वीडियो में बने रहें। बात इतनी है कि मैंने कहा मैं भाषण नहीं करूंगा, बातें करूंगा। अरे आदरणीय ज्योतिराज सिंधिया जी राज्यसभा से सांसद थे, लोकसभा से सांसद और राज्यसभा से सांसद के अधिकारों में कोई अंतर नहीं था। अभी 4 साल बचे हैं। अरे आप कितने साल से या सांसद है, इसी बार डिफीट खाई थी आपने, आपने उस डिफीट के चक्कर में प्रदेश का भविष्य बिगाड़ दिया, सरकार गिरा दी। आपने कहा था मैं किसानों का कर्ज माफ नहीं हुआ इसलिए मैंने सरकार गिरा दी, मुझे कहा रोड पे आ जाओ तो मैं रोड पे आ गया। आपने कहा था अतिथि विद्वान और अतिथि शिक्षक के लिए रोड पे आऊंगा, क्या अतिथि शिक्षक हो गए, परमानेंट हो गए, अतिथि विद्वान हो गए? 70,000 अतिथि शिक्षक निकाल दिए सिंधिया जी, अलग से एक शब्द तो बोलो इसी सरकार ने 4 दिन पहले। मैं जितने अतिथि शिक्षक अतिथि विद्वान पूरे प्रदेश में है, अगर अपने अस्तित्व को बचाना है तो लग जाओ, कांग्रेस पार्टी को जिताओ। ये मील का पत्थर, ये जो अब की बार 29 बार 19 भी नहीं हो रही है, 29 तो बहुत दूर की बात है, याद रखना। अरे सिंधिया जी आप अगर इतने साल से या विकास, सिंधिया जी का एक मूल वचन मेरी राजनीति विकास है, मैं विकास से कोई समझौता नहीं करता और विकास से अलावा सिंधिया परिवार का कोई नाता नहीं है। मुझे छोटी और ऊंची बात पसंद नहीं, सिर्फ विकास ही पसंद है। अच्छा कॉलेज होगा अशोकनगर में, अच्छा स्कूल होगा, अरे अच्छा हॉस्पिटल होगा, पूरे संसदीय क्षेत्र में एक भी उद्योग लगा, अशोकनगर से ट्रेन तो इंदौर जाती होगी, जाती थी बंद होगी। अरे आपने कहा कि विकास से मेरा नाता है, तो पास में राजगढ़ है, वहां पे 25 उद्योग होंगे छोटे बड़े, या आपकी मांग मैंने चुनाव के पहले भी सुनी थी, मैंने आपकी आवाज उठाई थी और ये विश्वास मैं आपको दिलाना चाहता हूं कि आपकी मांग जो हमारी सरकार की मैनिफेस्टो में अंकित है, वो मैनिफेस्टो हमारे लिए हमारा ग्रंथ बनता है, समर रखना। और अगर वो मैनिफेस्टो का एक एक अंक पूरा ना हुआ तो आपके साथ सड़क पर अकेले मत समझना, आपके साथ सड़क पर ज्योतिराज का संध्या भी उतरे। पर सरकार अभी बनी है, 1 वर्ष हुआ है, थोड़ा सबर हमारे शिक्षकों को रखना होगा, बारी हमारी आएगी ये विश्वास मैं आपको दिलाता हूं। और अगर बारी ना आए चिंता मत करो, आपका ढाल भी मैं बनूंगा और आपका तलवार भी मैं बनूंगा। चुड़ीला गांव में आकर मैं अपना सौभाग्य समझता हूं और ये विश्वास मैं आपको दिलाता हूं पूरे समाज को कि आपकी पैरवी करना, आपकी लड़ाई लड़ना, ये सिंधिया परिवार के रग रग में सदियों से रहा है और आपको आगे बढ़ाना ये मेरा दायित्व है। इन्हीं शब्दों के साथ संत रविदास जी के चरणों में नमन, धन्यवाद, जय हिंद।